नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मौतों की संख्या में इजाफा होता रहता है। कई लोग अपनी जानें कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रेहान वारसी स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने लखनऊ के कई अस्पताल और बैकुंठ धाम पहुंचे। वहीं सबसे पहले हमारे संवाददाता कोवा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे अस्पताल का जायजा लिया। आपको बता दें कि जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के मैनेजर से बात की तो पता चला कि कोवा अस्पताल कोविड के मरीजों के लिए बनाया गया है। और क्या कुछ बात की हमारे संवाददाता ने, आइए जानते हैं। पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। इलाज की काफ़ी दिक्कतें हैं। हम इस टाइम लखनऊ के कोवा हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और यहां का हम जायजा लेंगे, यहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि इसको गवर्नमेंट ने कोविड हॉस्पिटल बना दिया है और यहां पर कोविड के ही पेशेंट रखे जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ में काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ की व्यवस्थाएं जानेंगे। हालांकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी चल रही है। यहाँ पर यहीं से जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये भाई सब क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा? ये एक्चुअली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जो जिलाधिकारी द्वारा इसको निर्मित किया गया है और यहाँ पे 30 बेड का हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन वेंटिलेटर बाईपैप की सुविधा देते हैं पेशेंट्स को। तो 30 बेड्स में अभी हमारे पास 22 पेशेंट्स जो है एडमिट है कोविड के। 22 जी। कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं यहाँ से अभी तक? करीब 27-28 पेशेंट जो हैं यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं जी। क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर, वेंटिलेटर क्या सुविधा है बताया ना? जैसे वेंटिलेटर हमारे अवेलेबल है, बाईपैप की सुविधा अवेलेबल है और ऑक्सीजन तो नेचुरल सभी के लिए वो है अवेलेबल है। ऑक्सीजन की बहुत समस्या है, बहुत मारामारी है इस समय हॉस्पिटल को। मिल रही है ऑक्सीजन? मिल रही है लेकिन बहुत मुश्किल से जो है जी। मतलब रात दिन दौड़ना पड़ता है उसके लिए और जगह जगह जा करके थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करनी पड़ती है गैस। उतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है अभी अवेलेबिलिटी के लिए, बहुत दिक्कत है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग दिक्कत बता रहे हैं, इसको कैसे देखते? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी उतनी सुचारू रूप से गैस नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन। एक्चुअली सरकार मदद कर रही है, थोड़ा थोड़ा सब अस्पतालों को दे रही है जाकि जरूरत पड़ जाए तो, लेकिन हमें उतनी मिल पा रही कि हम 24 घंटे के बाद फिर से हमें दौड़ना पड़ता है और अगले दिन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। एक बार गैस भरवाने में जाने में कभी 4-5 घंटे का विलम्ब हो जाता है हमको। कितने वेंटिलेटर हैं आपके यहाँ? हमारे पास 11 वेंटिलेटर है, 6 बाईपैप हैं। 6 बाईपैप जी। और मरीजों को क्या देखरेख में, उनकी क्या ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? देखिए मरीजों को यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है उनके लिए, खाना है, काढ़ा है, दूध है, जूस है, ये सब हम अपने पास से अवेलेबल कराते हैं। घर से उनको लाना का कुछ अलाउ नहीं होता और बाकी फ़ोन्स वगैरह मरीज के पास रहते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं अपने घर पे फ़ोन पे बात करते हैं और उनको बार बार उनको प्रेरित किया जाता है कि कोरोना से कुछ नहीं होना है, बस आप दृढ़ निश्चय रखिए, और मरीज ठीक होके भी जा रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन किस तरीके से सतर्कता बरत रहा है हॉस्पिटल में? लोग जो लोग कोविड का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, लोग पीपी किट वगैरह पहनते हैं, अलग से उनके लिए रूम्स बनाए गए हैं जिसमें वो अपनी पीपी किट चेंज करते हैं, जाते हैं। डॉक्टर शुभम द्विवेदी हैं एमडी चेस्ट, जो जिनकी देखरेख में सब इलाज होता है, जो भी वो कमांड देते हैं यहाँ पे स्टाफ फॉलो करता है, ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता मौजूद थे जो यहाँ पर देखरेख करते हैं और हम आपको हॉस्पिटल की भी एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन जो है पूरी सतर्कता बरत रहा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, लोग मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और काफ़ी चीज़ें अच्छी की जा रही है। कैमरामैन सबाज के साथ। वहीं इस कड़ी में जब हमारे संवाददाता आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का दावा धरातल पर नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी सरकार हमेशा दावा करती है कि मरीजों को वो बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी, लेकिन आपको दिखा दे कि यहाँ पर एम्बुलेंस की भारी किल्लत है, मरीज को एम्बुलेंस के बजाय कार में ले जाया जा रहा है। आइए दिखाते आपको एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम वादे करती है, ना एम्बुलेंस की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना ही इलाज की कमी है। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें एक मरीज को रखे हुए हैं, साफ तौर पे इनको एम्बुलेंस नहीं मिली हुई है, ऑक्सीजन लगाकर
इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इनको काफ़ी बार डॉक्टर से संपर्क किए जाने के बावजूद भी कल ही रात में डीएम अभिषेक प्रकाश के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है कि आप बेड की जानकारी ले सकते हैं, एम्बुलेंस की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इनको कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है। हालात ये हो जाते हैं कि इनको अपनी ही प्राइवेट कार में लेकर जाना पड़ता है। कैमरामैन साहबाज के साथ रेहान। जैसे जैसे हमारे संवाददाता रेहान वारसी आगे बढ़ते गए, उन्होंने यूपी सरकार की नाकामियां मिलती गई। हमारे संवाददाता जब लोहिया अस्पताल पहुंचे और कोरोना रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर पहुंचे तो पता चला कि लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाइन लगाए खड़े थे। साथ ही वहां पर जितने भी काउंटर थे सब खाली पड़े थे, बस एक काउंटर पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाओं की बात करती है, आज हम लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है ये जांच कराने वालों की लाइन लगी हुई है। और लोहिया हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर आप देख सकते हैं कोविड जाँच के लिए तमाम काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही काउंटर चालू है। और ये किस वजह से चालू है ये फिलहाल अभी नहीं पता है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल इतने काउंटर होने के बाद भी एक ही काउंटर चालू है, जबकि लखनऊ के अंदर लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जो जांचों का अभाव है उसको भी बढ़ाना है। सरकार वादे करती है कि हम जाँचें करवा रहे हैं, ऑक्सीजन सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन उसकी जो दूसरी ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही नज़र आती है। साफ तौर पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है, किसी कब से खड़े हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ पे अभी आधे घंटे से हूँ और यहाँ पे जो बाकी काउंटर्स हैं वो सारे के सारे बंद हैं, केवल एक ही काउंटर अभी ओपन है। कितनी देर से खड़े हैं? अभी मैं आधा घंटा हो गया हूँ। जांच करानी है? मेरे को कोविड की जांच करानी है। अच्छा, और आधा घंटा ये हो गया है। कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या चीज़ें लग रही हैं? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनका बहुत लंबा है, एकदम सीधा नहीं है, दो जगह जाना पड़ता है, फिर जाके आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है और फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन में लगना पड़ेगा, फिर आपको सैंपल लेना पड़ेगा, फिर आपको एक बार फिर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर को थोड़ा सा शॉर्ट करें ये लोग। और आप भी जांच कराने हैं? जी। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? हो गए 15-20 मिनट। 15-20 मिनट एक ही काउंटर चालू, तो दिक्कतें नहीं हो रही हैं? एक ही काउंटर सभी जगह चालू, दिक्कतें तो हो ही रही हैं। ऐसा क्यों, एक ही काउंटर क्यों चालू? अब वो तो पता नहीं, यही लोग बता सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कई काउंटर बने होने के बावजूद भी एक ही काउंटर चालू है, जिससे जो आम जनमानस है, जो जांच कराने वाले लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सहबाज के साथ रेहान। वहीं जब हमारे संवाददाता लखनऊ के भैंसा कुंड पहुंचे तो वहां पर शवों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला प्रदेश में लगातार जारी है। आए दिन कई लोग कोरोना की चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला भैंसा कुंड में देखने को मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे लखनऊ के भैंसा कुंड की, जहां पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर जो कोरोना है उसका प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि जो भैंसा कुंड है वहाँ पर लगातार लाशें बिछी हुई हैं। आप देख सकते हैं कई चिताएँ जल रही हैं, कई लोग एम्बुलेंस से जो शव है उनको लेकर लाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो कह रही है कि जो है आंकड़े छुपाने का जो काम सरकार कर रही है वो बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे ये बयां कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से क्या हाल है। लोग लगातार मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहा है तो कोई इलाज ना मिलने की वजह से मर रहा है, और कई ऐसे हैं जो कोरोना नहीं है उसके बाद हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल पाता इस वजह से वो दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक लखनऊ के अंदर मौत का सिलसिला जारी है। कैमरामैन साहब फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।